बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 26 जनवरी 2021 बरोज मंगल है। आज के दिन सिखों ने लाल किले पर झंडा लहरा दिया, जो खालिस्तानी झंडा है। जब सिखों ने लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लहराया तो हिंदुओं ने कहा कि हम हिंदू खतरे में पड़ गए हैं। तो ऐसे में मोदी की पालतू कंगना रनावत का बयान सामने आ गया। आइए हम आपको वो बयान सुनाते हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे हमला किया गया है। वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। ये इस दिन जब ये जो दिन है, गणतंत्र दिवस जो है, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश ने जो जिस तरह से कोरोना से अभी उभरा है, किस बहादुरी से हम उन कुछ एक देशों में से हैं जिन्होंने कोरोना से ना सिर्फ लड़ाई में हम जीत रहे हैं, जबकि हम पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना कि हम हमारी जो वैक्सीन ड्राइव है हम लोग खुद ही नहीं बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व करें। ये वक्त था कि हम इस चीज़ को मना सकते थे। आज इतना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक साल रहा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने, जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं। और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं या आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है, ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं, कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे। इस देश का कुछ नहीं होने वाला है, ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है, और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा। उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल किसान आंदोलन को सपोर्ट कर, उन सबको जेल में डालो, और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं, संपत्ति के किस, कुछ ना कुछ तो इसके रिपरकशंस होने चाहिए। मजाक बन के रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी गवर्नमेंट, सब मजाक बन के रह गया है।